मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी में 5 नाम चर्चा में हैं। सीएम पद की रेस में आतिशी गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ये वो नाम। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्व गुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। जिनको लेकर चर्चा हो रही है, विधायक राखी बिरलान और कुलदीप कुमार के नाम की भी जबरदस्त चर्चा है। तो ये 5 नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे आतिशी का नाम, जिसको लेकर अभी जानकारी दीपक रावत दे रहे थे, फिलहाल आपको लेकर चलेंगे। मधिया हमारे साथ मौजूद हैं। मधिया, ये 3 तो मंत्री जिनके नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं, और साथ ही जिस तरीके से राखी बिरलान और कुलदीप कुमार का नाम भी चर्चा में है, इसको लेकर क्या खबर है? आम आदमी पार्टी के भीतर किस तरीके की सुगबुगाहट है? देखिए, हलचल तो कल से ही है इस खबर पर, क्योंकि सबकी नजरें जब से केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है, तो सीएम आवास पर ही आखिर कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, आखिर किसकी मुलाकातें हो रही हैं और किससे संपर्क में हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों पर तो नज़र है ही, लेकिन कुछ नाम लगातार चर्चा में है। जिन नामों का आपने जिक्र किया, बिल्कुल आतिशी हों, चाहे गोपाल राय, कैलाश गहलोत हों, या फिर उसके अलावा 2 नए नाम, कुलदीप कुमार और राखी, जिनका जिक्र आपने किया, उनका नाम भी चर्चा में है। लेकिन सबसे ऊपर इसमें आतिशी का ही नाम है, क्योंकि मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की संभाली, और इसके साथ साथ कई बड़े जो मैटर्स थे पार्टी के हों, सरकार के हों, उसमें भी आगे नजर आई, उन मैटर्स को भी उन्होंने देखा। तो जाहिर सी बात है, इस रेस में यानी कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इसमें आगे नाम आतिशी का ही है। लेकिन जो एक प्रोसीजर फॉलो करती है कोई भी पार्टी, यानी कि अभी विधायक दल की बैठक, उस पर नजर सबकी है, और अभी से कुछ देर में विधायक दल की बैठक जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर होने वाली है, और सभी विधायक अब से 1 से 1.5 घंटे में यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि विधायक दल की बैठक के बाद जो नाम है उसकी घोषणा पार्टी की तरफ से कर दी जाए। फिलहाल हमारी नजर इसी चीज पे है, लेकिन जो चर्चा कई सारे नामों की चल रही है, उस पर हम चर्चा ही अभी सिर्फ कह सकते हैं उसको, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या कुछ उस पर हो रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और आइए जरा जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। दोनों खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद हैं, अभय सर, यहाँ भरत की भूमिका में फिलहाल करीब ज्यादा से ज्यादा 6 महीना आतिशी नजर आने वाली है। देखिए, नाम तो आतिशी का ही सबसे आगे चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो तकनीकी कानूनी प्रक्रिया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, उसमें भी ज़्यादा सुविधा होगी आम आदमी पार्टी को अगर वो आतिशी के नाम को तय करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही मंत्री हैं और काफ़ी सारे मंत्रालय संभाल रही हैं, तो उनके नाम के ऊपर कोई तकनीकी आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर वो किसी गैर मंत्री को चुनते हैं, तो वहाँ पर वो जिस तरह से प्रस्ताव जाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। इसकी चर्चा भी कुछ दिनों से चल रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहली बात कही है, इसी वजह से किसी सांसद को इस पद के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा आम आदमी पार्टी के भीतर, क्योंकि नाम संजय सिंह से लेकर राघव चड्ढा तक का एक वक्त ऐसा था जब उसकी चर्चा हो रही थी। देखिए, ऐसे चर्चा तो हम सब लोग पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, चर्चाएं बहुत सी नामों की हम लोग उछाल देते हैं हवा में, लेकिन ज्यादा कुछ दम उन नामों में अभी इस मामले में है नहीं। जिनके नाम आपने जो जिक्र किए हैं नाम, इनमें ज्यादा दम है, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि जब कोई पार्टी चुनौती देती है, तो साथ में खुद भी किसी चुनौती का सामना करती है। अब आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने, उनके सामने चुनौती ये है कि कांग्रेस के वोटों को 5% तक कैसे रखा जाए। अगर कांग्रेस के वोट 5% से आगे बढ़कर 10%, 12%, 15% तक पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। दिल्ली में मेरी समझ में चुनाव का समीकरण यही है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मुसलमान और दलित वोट कांग्रेस को ना मिल पाए। ये पहली शर्त है। आम आदमी पार्टी अगर 2020 का चुनावी नतीजा दोहराना चाहती है, वरना चुनाव जीत भी सकती है तो वो घिस घिस के जीतेगी। आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी है कि वो दिल्ली का दंगल बहुत जबरदस्त तरीके से जीते, तभी उसका जो USP है जो वो सब कायम रहेगा। वरना भाजपा कहेगी कि भाई देखिए, हमने कहा था ये भ्रष्ट है, जनता ने भी इनको पसंद नहीं किया, इस प्रकार की बातें होने लगेंगी। तो इसलिए सारा फोकस वहां पे है। ठीक है, तो इस नए मुख्यमंत्री के चेहरे से भी कहीं ना कहीं वो जाति का जो गणित है, क्या उसको भी साधने की कवायद देखने के लिए मिलेगी विजय जी, जिसका जिक्र अभी यहाँ पर अभय सर कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस के वोट शेयर को नीचे करना है, और कांग्रेस का वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है हम सब जानते हैं 24 चुनाव के अंदर। एक तो वो अल्पसंख्यक वोटर जो पूरी तरीके से कंसोलिडेट कांग्रेस के पीछे होता हुआ नजर आया, दूसरा दलित समुदाय, उसका एक शिफ्ट कांग्रेस के पक्ष में नजर आया। तो फिर अगर यही गणित रहने वाला है, फिर तो नाम यहाँ पर
ताहिर हुसैन से लेकर इमरान हुसैन से लेकर माफ कीजिएगा और राखी बिरलान और कुलदीप कुमार, इनका आगे होना चाहिए रेस में? देखिए अभय जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि क्या आम आदमी पार्टी इन चुनावों में कांग्रेस के वोट को रोकने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, वो उसका चुनावी नतीजा बताएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए जाहिर है उस बात को ध्यान रखा जाएगा कि कौन वोटों को रोक सकता है नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा मुद्दा कल से नहीं मान रहा, जिसको हम सब लोग कह रहे हैं कि सस्पेंस सामने खत्म हो जाएगा। सस्पेंस किस बात का है? चीफ मिनिस्टर तो केजरीवाल साहब ही रहेंगे ना, जो आएगा वो डमी होगा, आप ये कह रहे हैं वो नाइट वॉचमैन रहेगा। डमी क्या मतलब, उसको केजरीवाल साहब का जो एजेंडा है खासतौर से चुनाव के लिए उसको पूरा करना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, आप कह सकते हैं ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने जो कल कहा वो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात थी, उनका कि जब चुनाव खत्म होंगे, जब आप हमें वोट दे देंगे हमें जिता देंगे तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। क्यों बनेंगे वो मुख्यमंत्री, ये मतलब आज घोषणा करने की क्या बात है? यदि ये मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो 5 महीने 4 महीने काम करके अच्छा काम दिखाते हैं, और जब अगली विधानसभा होगी तो नया मुख्यमंत्री नया नेता भी तो हो सकता है। इसका मतलब वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में तय कर रहे हैं। भरत का जिक्र किया गया, अभी कल से मैं देख रहा हूँ कि सौरभ जी और सब लोग राम मर्यादा और सब बात कर रहे हैं, वो ठीक है भरत का, लेकिन यहाँ की भरत में फर्क ये है कि वहाँ भरत जो है अयोध्या के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ अयोध्या के अंदर राज सिंहासन पर बैठेंगे वो भरत। अब वो चंपाई सोरेन ना हो जाए, जीतन राम मांझी ना हो जाए, ये सब भी बात को भरत को ध्यान में रखना है, क्योंकि कुर्सी पर बैठने का मतलब भी अलग होता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं विजय जी कि साहब वो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि मैं जीत कर आऊंगा, अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं ही फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो यही तो पूरी की पूरी रणनीति है। मतलब वो जो कानून की अदालत वाली लड़ाई है उसको जनता की अदालत में लेकर जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो उसके लिए यही तो रणनीति है, और यहीं से वो अपनी गोटियां विधानसभा चुनाव के लिए सेट करते हुए नजर आ रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, विजय जी ने भी कहा है उससे भी मैं सहमत हूँ। देखिए केजरीवाल की पूरी कोशिश ये है कि अपने किरदार के ऊपर और अपने पार्टी के किरदार के ऊपर इस चुनाव को एक जनमत संग्रह में बदल लें, और वो ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि ऐसा करने में कामयाब होते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है जो उनके मुकाबले खड़े हो सके कि हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है जो कह सके अरे भाई ये कौन है हमारा भी एक चेहरा है। भाजपा और कांग्रेस तो चेहरे की खोज कर रहे हैं, पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं कर भी रहे हैं, इसकी भी कोई खबर नहीं है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या ऐसा नहीं लगता कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो इस वक्त दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का एक ही चेहरा मौजूद है तीनों पार्टियों में मिलाकर, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा, ये देखिए तो ये जो एक खास तरह की परिस्थिति है जिसका लाभ अरविंद केजरीवाल को स्वाभाविक रूप से मिल रहा है उनकी अपनी कोशिशों द्वारा और दूसरी पार्टियों की अक्षमताओं द्वारा। ABP News आपको रखे आगे।